गाइज, कैसे हो आप सब? वैसे मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हमारे यहाँ कोई आने वाला है, हम बताएंगे नहीं कि हमारे घर कौन आने वाला है। आपको वीडियो को मेरे शुरू से लास्ट तक देखना होगा, तभी पता चलेगा ना भाभी किसकी बात कर रही है। बातें ना करते हुए चलो मैं आप लोगों से मिलाती हूँ कि कौन मेहमान आया हुआ है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नीचे दी गई घंटी को बजा देना, फैमिली दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो ज्यादा बातें न करते चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सोच रहे होंगे कि भाभी के चैनल पे दीदी क्या कर रही हैं, तो आपकी भाभी भी यही हैं। ये है आपकी भाभी। एक्चुअली आपको तो पता चली गया ब्लॉग देख के ना कि पापा की तबीयत खराब हो गई थी, तो हम लोग देखने आए थे। अब ससुराल आए, मायके ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, और मायके आए भाभी के वीडियो में ना आए ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा मैं भाभी से, तो सब लोग शादी का वीडियो देख रहे हैं इसलिए हेलो हो रहा है। तो मैंने कहा चलो आज भाभी के चैनल पर फिर मैं अपना कब्जा कर लेती हूँ। सब बोलते ही हैं कि प्रिया जो है, प्रिया दीप अपनी भाभी को बात ही नहीं करने देती। तो मैं कहती हूँ यार भाभी हैं और मैं ननद हूँ, तो क्यों ना अपना ननद हूँ तो दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो भाभी हाथ से निकल जाएगी। नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी भाभी बहुत स्वीट हैं। अभी काम करके आ रहे हैं। हाँ अभी ये देखो पकौड़ी बनाई है हमारे लिए, और इतनी तीखी पकौड़ी बनाई है। हाँ भाभी ऐसी होनी चाहिए, तो हमारे लिए चाय बनाई पकौड़ी। पकौड़ी इतनी तीखी बना दी है ना, क्यों तीखी बनाई बताओ पहले? अभी नहीं पता था पकौड़ी इतनी तीखी है ना, पूछो मत। लग रहा है मिर्चा नहीं खाती, लग रहा है किसी चीज का बदला निकाल रही है मुझसे। सच में किस चीज का बदला निकाल रही है बताओ? अरे दीदी ऐसा क्यों आज? अब आप लोग इनसे पूछो, अब दीदी के साथ ऐसा क्यों कर रही है यार? इतनी तीखी पकौड़ी खिला दी, अब मैं नहीं खा रही हूँ, तुमने हाथ से खिला रही है, नहीं तीखी पकौड़ी खानी पड़ेगी। नहीं यार मजाक कर रही हूँ, एक्चुअली मुझे तीखा नहीं पसंद है और छाले हो गए हैं। आप लोगों को तो पता है जन्मजात दुश्मनी है मेरी छालों के साथ। तो चलो राधे तुम भी बोलो, नहीं तो सब बोलेंगे कि दीदी ही बकबक करती, भाभी को बोलने नहीं देती। अरे नहीं दीदी आई है तो दीदी ही बोलेंगी ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि चलो मैं आज तुम्हारे ब्लॉग में मैं आज आ रही हूँ। हाँ। लेकिन ये सरप्राइज रहेगा, थंबनेल टाइटल में आप लोग देखोगे नहीं, ये सरप्राइज रहेगा। इमोजी रहेगी, देखो कौन यूट्यूबर आया मुझसे मिलने। जब आप वीडियो ओपन करोगे तो ये तो यूट्यूबर प्रिया जी ननदी आई है भाभी से मिलने। यार मेरी आदत है ना गंदी, मैं ट्राईपॉड में लगा के बात करती हूँ और यहाँ मैं हाथ में पकड़ के बात नहीं कर पा रही हूँ। भाभी यहाँ बैठी है, अजीब सा आ रहा है यार। गर्मी लग रही है ना दीदी को? गर्मी है यार, मिर्ची तीखी। पहली बार साड़ी पहनी है ना इसलिए। हाँ मैं भी ससुराल आती तो साड़ी पहनती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि भाभी के साथ जो है अपनी भाभी, इनके मम्मी पापा जबरदस्ती इनकी भाभी को साड़ी पहनाते। तो शायद आप लोगों ने वीडियो देखा नहीं, मेरी भाभी जो है साड़ी भी नहीं सूट भी पहनती है, लेकिन मैं मेरे ससुराल में सिर्फ साड़ी पहनती हूँ। 3 दिन से साड़ी ही लपेटती हूँ। सच बताऊँ पकौड़ी काफी यम्मी है, रेसिपी नहीं शेयर कर पाई। नहीं शेयर कर पाई, बाद में कर देंगे। एक्चुअली हम लोगों को आज ही निकलना है ना, तो मैं तो खा ले रही हूँ, इतनी तीखी है फिर भी खा रही हूँ, काफी यम्मी बना है मेरी जानू। मेरी प्यारी सी गुड़िया, आपको भी चाहिए? इसको तीखी चीजें बहुत पसंद है, आपसे ज्यादा। अरे पता है मम्मी ने बाबू को ले लिया था और सिर्फ मुंह बनाई थी, जो मम्मी ले ली थी बाबू को, इसको बुरा लग रहा था कि इसकी दादी किसी और को क्यों ली है। पकौड़ी खा रही है, ओ गॉड इतनी तीखी पकौड़ी खा रही हो जानू। ले लो आ जा दीप, सूरज की शादी का वीडियो। चलो अभी मैं आप लोगों से कुछ देर बाद मिलती हूँ, अगर मैं नहीं मिलूंगी तो आराधी आप लोगों से मिलेंगी ही, ठीक है? खुशी है जो कि जिनको मैं वीडियो में नहीं लेके आने वाली, क्योंकि जितनी भी वीडियो मैंने इनको, जितनी भी मेरी ये वीडियो में आई ना, वो सारा वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा। तो इसलिए खुशी को मैं नहीं लेके आऊंगी, क्योंकि कई लोग मिस यूज करते हैं। तो अब मैं मेरी बहन को कभी नहीं लेके आने वाली मेरी वीडियोज में, तो बस मैं और मेरी भाभी मिलेंगी। जानू छोटी है तो मिल जाएगी आप लोगों को देखने के लिए, बाकी मेरे घर की कोई लड़की आप लोगों को नहीं मिलेगी देखने को। सो सॉरी फॉर दैट। बाय हाय बाय, क्या कर रही है? नाच रही है? चाचा की शादी की कैसेट देख के नाच रही है, ये देखो।
चलो गाइस कुछ देर बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। मैं रूम में नहीं हूँ, मैं आंगन में आई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। तो यहाँ हवा चल रही है, तो हवा की आवाज़ आ रही है। तो मैं किसकी बात कर रही थी? यस, मेरी दीदी आने वाली थी, आई और सबसे मिला चली गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।